प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टेली मसाला। जिनके अदाओं के हैं सब दीवाने, जिनके भोले भाले और मासूम से चेहरे पर है सब फिदा, जिनको देख करोड़ों लोग सोचे क्या यही है मोहब्बते। आइए आज उन्हीं की दास्तान सुनाए आपको। दिव्यांका त्रिपाठी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सन दिसंबर 14, 1984 में। दिव्यांका के माता पिता को एक बेटे की ख्वाहिश हमेशा से थी और दूसरी औलाद होने के कारण दिव्यांका को हमेशा ही लड़कों जैसे रखा गया, जिसके कारण बचपन में दिव्यांका एकदम टॉमबॉय थी। लड़कों जैसे चलना, लड़कों जैसे कपड़े पहनना, ये सब दिव्यांका की आदत बन चुकी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही टॉमबॉय एक दिन इतनी खूबसूरत लड़की बनके उभरेगी और सबका दिल जीत लेगी। दिव्यांका की पढ़ाई लिखाई भोपाल में नूतन कॉलेज से हुई। उनकी हमेशा से ही खेल कूद में ज्यादा रुचि रही और हाँ, आपको बता दे कि एक्टर बनने के बारे में उन्होंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दिव्यांका का सपना तो आर्मी में जाना था, जिसके चलते वो चली गई थी भोपाल राइफल एकेडमी और वहाँ उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था राइफल शूटिंग में। यहाँ तक कि भोपाल में कुछ समय तक दिव्यांका बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी जॉब कर चुकी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उन्हें हमेशा से ही आर्मी ऑफिसर बनना था। फिर आखिर ये एक्ट्रेस बनने का कहां से सूझा उनको, यही सोच रहे हैं ना आप। वेल, दिव्यांका ने आकाशवाणी में भोपाल के एंकर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। साल 2003 में उन्होंने मिस ब्यूटीफुल स्किन का टाइटल जीता मिस टीन कॉन्टेस्ट में। उसके बाद उन्होंने जी टीवी के शो जी सिनेस्टार्स की खोज में पार्टिसिपेट किया और वहां भी विजयी रही। और फिर साल 2005 में उन्हें मिस भोपाल के टाइटल से नवाजा गया और वहीं से शुरुआत हुई दिव्यांका के चकाचौंध जिंदगी की। दिव्यांका के एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई दूरदर्शन के टेलीफिल्म से, जहां उनके एक्टिंग का कमाल देख उन्हें मुंबई बुलाया गया शो बनू में तेरी दुल्हन के ऑडिशन के लिए। और ऑब्वियसली उन्हें वो रोल मिल गया ऑपोजिट शरद मल्होत्रा। एक वो दिन था जब लोग दिव्यांका को इतना नहीं जानते थे और एक आज का दिन है जहां हर घर में दिव्यांका का नाम बच्चा बच्चा जानता है। साल 2009 में जी टीवी का शो खत्म होने के बाद दिव्यांका ने कॉमेडी जॉनर में भी कमाल कर दिखाया सब टीवी के शो मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, जो दिव्यांका का अभी तक का सबसे फेवरेट रोल रहा। इसके बाद और काफी सारे छोटे मोटे रोल्स भी किए दिव्यांका ने साल 2011 से 2012 तक। और उसके बाद आया उनके करियर का पाथ ब्रेकिंग सीरियल, ये है मोहब्बते साल 2013 में, जहां इशिता भल्ला के कैरेक्टर में दिव्यांका मानो सबके दिलों में घर कर गई। और आज साल 2017 में भी दिव्यांका इस सीरियल और इस रोल को उतने ही बाखूबी से निभा रही है जितना कि पहले, या कहे शायद और भी अच्छे से। तभी तो इतने सालों में इन्हें इस शो के लिए काफी सारे अवार्ड्स भी मिले। साल 2015 में उन्हें शाने भोपाल अवार्ड मिला और 2016 में उन्हें 6 अवार्ड्स मिले स्टार परिवार अवार्ड्स में और 2 गोल्ड अवार्ड्स फॉर फेस ऑफ द ईयर एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल। दिव्यांका अपने रिलेशनशिप्स के बारे में काफी ओपन थी और वो कभी भी उनके बारे में बात करने से नहीं झिझकती थी। उनका कहना है कि वो अपने सभी रिलेशनशिप में काफी सीरियस रही है और स्पेशली अपने को स्टार शरद मल्होत्रा के साथ। दिव्यांका ने तो शरद के साथ शादी के सपने भी सजाए थे
लेकिन 9 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद दिव्यांका और शरद का ब्रेकअप हो गया। जब उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अब उन दोनों के बीच प्यार बचा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। साल 2015 में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू दिव्यांका और विवेक की मुलाकात हुई और वहां से शुरू हुई इन दोनों की लव स्टोरी। सिर्फ 3 डेट्स पर जाने के बाद इन दोनों के दिमाग में ये क्लियर हो गया कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। विवेक ने दिव्यांका को उनके बर्थडे दिसंबर 14 पर प्रपोज किया और वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। उन्होंने दिव्यांका को 2 टी-शर्ट्स गिफ्ट किए थे, जहां एक में लिखा था यू आर माय आंसर टू एवरी क्वेश्चन और दूसरे में लिखा था दिव्यांका मैरी मी। हाय, एकदम फेरी टेल जैसी स्टोरी है ना। सेट पर मिले, फिर कॉमन फ्रेंड के वजह से डेट पर गए और शादी के बारे में सोचा। 16 जैन 2016 में दोनों की एंगेजमेंट हुई, 8 जुलाई 2016 में शादी और आज दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। वैसे कुछ राज की बात बताएं, विवेक प्यार से दिव्यांका को डियो के नाम से पुकारते हैं और दिव्यांका विवेक को जान। और दोनों का फेवरेट सॉन्ग जो वो एक दूसरे के लिए गुनगुनाते हैं वो है इश्क बुलावा फ्रॉम हसी तो फसी।